भवन देखने से ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 2017 में ये भवन बना है और इंजीनियर साहब और जो पदाधिकारी होंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे कितना भ्रष्टाचार किए होंगे, कितना लूटे होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पपड़ी देखे है, जानते हैं ना, पपड़ी छूट रहा है, देख लीजिए कि पपड़ी छूट रहा है। अब ऐसे लोगों की हुकाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर, इंसान रहता है कि जानवर रहता है सर? इधर बताए, 12 लोग कैसे कोई रह सकता है एक रूम में? मुख्यमंत्री साहब को भी शर्म आ जाएगा और शिक्षा मंत्री साहब को भी शर्म आ जाएगा, देख लीजिए क्या स्थिति है। हमको लगता है बच्चा पड़ता होगा, ऊपर से प्रसाद गिरता होगा। कितनी भयानक स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। आप लोग ऐसी स्थिति में अपने बच्चे के यहाँ पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाइएगा ना। इसमें आप हॉरर फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई की तो बात ही छोड़ दीजिए यहाँ पर। अभी मैं एक स्कूल के सामने खड़ा हूँ और आपको बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा और बोर्ड देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल की हालत अंदर में क्या होगी। यहाँ पर देखिए 2017 में स्कूल बना हुआ है, स्कूल का नाम है आश्रम आवासीय विद्यालय भेलवाड़ा सदर हजारीबाग। वर्ग है 6 से 10, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में। और आश्रम आवासीय विद्यालय है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ रह के पढ़ते होंगे, आवास भी उनको मिला होगा रहने के लिए। तो ये गेट है और गेट से अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ाई कैसी होती है, शिक्षक कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, प्रोसेस क्या है। तो आइए और चलते हैं। ये देख लीजिए अंदर आ गए हैं हम, और आवासीय विद्यालय में हम पहली बार आए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो है हजारीबाग जिले में पड़ता है और आपको देख के लग रहा होगा, देख लीजिए एक कॉलोनी टाइप का बना हुआ है और ये देख लीजिए इधर से पेड़ पौधे लगे हुए, काफ़ी अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। इधर देखिए ऐसा लग रहा है कि जब से ये स्कूल बना है उसके बाद से डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं हुआ है। तो नेताजी को तो फुर्सत नहीं मिल रहा होगा स्कूलों के बारे में जानने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने के लिए। तो हम ही झारखंडवासियों और देशवासियों को दिखा देते हैं, छात्रावास है, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं। और इधर हमको लगता है विद्यालय है, आश्रम आवासीय विद्यालय भेलवाड़ा जो वहाँ पर नाम लिखा हुआ था। तो ये मेन गेट है। अब यहाँ पर हम जो यहाँ के शिक्षक हैं उनसे मिलते हैं। सबसे बा एक आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अंदर में स्कूल बना हुआ है, बहुत ही अंदर में। हम जो मेन रोड से आए हैं, मेन रोड से काफ़ी अंदर में स्कूल बना हुआ है। और ये देखिए हमको लगता है ग्राउंड है, शायद ये वॉलीबॉल ये फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर छोटा सा है लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक से मिलते हैं। सबसे पहले भवन देख लीजिए, भवन देखने से ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है भवन। ये जरा देखिए उधर, यहाँ देखिए और इसकी दरारों को देखिए और देख के अंदाजा लगाइए कि जब 2017 में ये बिल्डिंग बना है तो 5 साल हुआ, मतलब 5 साल में ऐसा लग रहा है कि ये भवन जर्जर हो चुका है। हम घर बनाते हैं तो हमारा घर जो है कम से कम 40 से 50 साल चलता है, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता है। लेकिन सरकारी भवन चाहे स्कूल हो या जो भी चीज़ें हैं बनता है और 5 साल में वो खत्म होने लगता है। तो भ्रष्टाचार कौन करता है मालूम नहीं। अब यहाँ के सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या नाम हुआ सर आपका? नीलेश कुमार यादव। अच्छा नीलेश सर, ये बताइए कि ये कौन सा विद्यालय है? ये आश्रम आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। अच्छा, कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। आश्रम आवासीय विद्यालय का मतलब बताइए ये क्या है? ये कल्याण विभाग का ही एक, इसमें कई तरह के स्कूल चलते हैं, जैसे एकलव आवासीय विद्यालय भी चलते हैं जी, पीटीजी भी चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट अपने। पीटीजी क्या होता है? पीटीजी प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए। अच्छा, स्कूल संचालित है। ओके, तो यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़ाई होती है जी जी। तो टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं सर? टोटल यहाँ पे 200 है। 200 है जी। आप लोग शिक्षक कितने हैं टोटल? शिक्षक अभी हम लोग 9 है। 9 है, तो अनुपात के हिसाब से आप लोग शिक्षक है जी। तो आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पर आवास भी लोगों को मिला होगा? आवास शिक्षक को आवास नहीं मिला। नहीं नहीं, स्टूडेंट लोग को? स्टूडेंट को मिला है लेकिन स्टूडेंट 100 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अभी आवास बना हुआ है। तो 100 स्टूडेंट के लिए आवास बना, तो 200 कैसे रहते हैं? अभी हम लोग उसी में मैनेज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा रूम मेरा हॉस्टल में जो रूम है उसी में से जितना कैपेसिटी है रखने का उससे ज़्यादा रख रहे हैं हम लोग। तो मतलब यहाँ भी जुगाड़ से काम चल रहा है? हाँ जी हाँ,
उसमें जो हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा क्लासरूम है जी, उसमें भी कुछ स्टूडेंट को रखा गया है जो हम आपको दिखा सकते हैं अभी जी, अभी दिखाएं। तो ये बताइए कि चलिए यहाँ पर जो है जो कमरा रूम नंबर है जो रहने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इस वजह से एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर प्रोसेस क्या है एडमिशन का, अगर मान के चलिए झारखंड के किसी भी जिले से कोई अगर एडमिशन लेना चाहे तो यहाँ पर क्या प्रोसेस है? यहाँ पर कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक साल क्लास सिक्स और सेवन और एट के लिए वैकेंसी जाती है, रिक्ति जो होती है जी, जिस विद्यालय में जितना भी रिक्ति होती है उसका जो है प्रमंडल स्तर पे रिक्ति निकाली जाती है जी, प्रत्येक प्रमंडल, जैसे पांच प्रमंडल है हमारे झारखंड में जी, तो पांचों प्रमंडल का जिलावार रिक्ति निकाली जाती है, जिलावार और क्या बोलते हैं स्कूल वाइज सभी का रिक्ति निकाली जाती है, और फिर प्रमंडल स्तर से उसका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट उसमें जो मेरिट में आते हैं उसी का। अच्छा, जो मेरिट में आता है उसके बाद उनका एडमिशन होता है, तो एडमिशन होता है तो सारा खर्च सरकार उठाती है यहाँ पर जी, सरकार उठाती है, मतलब उनका रहने का, खाने का, किताब का, साबुन तेल सहित सब सब कुछ, मतलब बच्चों को कुछ नहीं देना है, उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं सोचना, एक रुपया घर से भी नहीं, एक रुपया घर से नहीं देना है। तो ये तो ठीक अच्छी बात है। देखिए अभी एक स्कूल में आवासीय आश्रम आवासीय विद्यालय है, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है सब कुछ पढ़ने के लिए जो उल्लास रखते हैं, जो पढ़ने के लिए लालसा रखते हैं, जिनको पैसे की प्रॉब्लम होती है, जो अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, अगर जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस के द्वारा आप स्कूल में आ सकते हैं, फिर आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बताइए सर यहाँ पर कि एडमिशन तो हो गया, तो अब यहाँ पर तो अभी नया सत्र शुरू होने वाला होगा जी, अभी टेस्ट हुआ है, रिजल्ट अभी आया नहीं है इस वर्ष। अच्छा, तो अप्रैल फर्स्ट भी रिजल्ट आने की उम्मीद तो है, जैसे जो बाद एडमिशन हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए जो डेट निकलता है उसमें फॉर्म भरने के लिए पैसे भी लगते हैं क्या? जी नहीं, फ्री होता है धीरे। तो वो कहाँ नोटिफिकेशन आता है, पेपर में आता है कहाँ? ये उप निदेशक, देते हैं उप निदेशक से एक लेटर आता है जी, वहाँ से उसके बाद हर विद्यालय में ये सूचना पहुँचती है। अच्छा, और भी जगह जगह सूचना ये फैलाई जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर फॉर्म सभी को अप्लाई करते हैं जो भी इच्छुक होते हैं, ऐसे आते हैं। तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पर 6 to 10 बच्चे पढ़ते हैं जी, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कम्बाइंड क्लास भी आप लोग चलाते हैं या सब सेपरेट सेपरेट क्लास चलता है? सबका सेपरेट क्लासरूम पूरा अवेलेबल है बराबर जी, जैसे 6 to 8 में जी, तो 9 से देखिए 9 to 10 में देखिए कि फिजिक्स के कि टीचर अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, बायोलॉजी के अलग होते हैं, तो है यहाँ पर वैसे टीचर सारे सब्जेक्ट के हैं, सारे सब्जेक्ट के हाँ जी। चलिए देखिए ये पहला विद्यालय मिला जहाँ पर शिक्षक जो है सारे सब्जेक्ट के हैं, और अच्छी बात है। तो सबसे पहले सर हमको आप क्लासरूम दिखाइएगा या हॉस्टल दिखाइएगा आप यहाँ? हॉस्टल देख लीजिए जी, हॉस्टल दिखाते हैं यहाँ का, अखंड के सिर्फ आ सकते हैं ना सर यहाँ पर, बाहर के लोग नहीं ना, अलग राज्य के प्रमंडल का, एक प्रमंडल। अच्छा, हजारीबाग के सिर्फ यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अच्छा, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो अगर यहाँ पर आना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए छात्रावास बना हुआ है और हम छात्रावास आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, ये वार्डन रूम है, मतलब यहाँ पर सब देखते होंगे, वार्डन रूम है, वार्डन रूम है। चलिए सर, लाइटें वाइटें कुछ नहीं लगी है सर, इधर लाइन कटा हुआ है, लाइट नहीं रहती है? लाइट रहती है, अगर लाइट कट गया तो इन्वर्टर वगैरह है यहाँ पर? जी नहीं सर, इन्वर्टर इन्वर्टर नहीं है। हाँ देखिए, जरा दरवाजे को देखिए और नेताजी से पूछिए कि नेताजी हम तो आपको दिए थे वोट और लेकिन हमको आप देती हैं दबा के चोट। जरा देख लीजिए इस दरवाजे को, आप वहां से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए अंदर, हम लोग आते हैं यहाँ पर, अभी कोई नहीं है। आप देखिए कि कितना जुगाड़ से ये हॉस्टल चल रहा है, ये हॉस्टल का आप देख लीजिए रूम है, ये देखिए ऊपर, हमको लगता है कि ये झड़ के गिर रहा होगा। 2017 में ये भवन बना है, और इंजीनियर साहब और जो पदाधिकारी होंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे कितना भ्रष्टाचार किए होंगे, कितना लूटे होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अंदाजा लगाना है तो जरा इधर देखिए, जरा देखिए पपड़ी, देखे है जानते हैं ना, पपड़ी छूट रहा है, देख लीजिए ये पपड़ी छूट रहा है, और ये पपड़ी छूटते छूटते ये भवन कब नीचे गिर जाएगा कोई नहीं जानता है, सिर्फ भगवान जानते हैं। तो हमारे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा जब भवन बनाने में इतना भ्रष्टाचार होगा?
अब ऐसे लोगों की हुकाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? झारखंड वासियों और देशवासियों बताइए हमें, एक रूम में कितने लोग रहते हैं जरा देखिए, दो दो चार दो छ दो आठ बारह लोग सर, इंसान रहता है कि जानवर रहता है सर, इधर बता, बारह लोग कैसे कोई रह सकता है एक रूम में? तो क्या करिएगा, मजबूरी है, वार्डन है आप? हाँ। मजबूरी है, अभी आप लोग आगे कहीं बात नहीं रखते हैं? बात तो रखे हुए हैं, रखते हैं, कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, बोल रहे हैं कि हो जाएंगे, हो जाएंगे सर, वो तो सर पूरा दुनिया कहती कि हो जाएगा लेकिन होता नहीं है ना, समस्या ही है ना सर, समस्या ये है कि आपके घर में पंखा खराब होता है तुरंत दूसरे दिन लगा लेते हैं, तो ये जब टूट रहा है, जब ये जर्जर हो गया है, इतनी तो खतरा है इसमें रहने में, गवर्नमेंट को तुरंत करनी चाहिए, करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, कभी करंट भी आया था, करंट भी आ जाती है जब बारिश होती है, पानी गिरती है, तो उसमें इसमें तो जान का खतरा है, लोहा वाला ब्लेड दिया हुआ उसमें, और हम लोग को किसी बालक और बालिका का जान जा सकता है, इससे भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ पर, और इसे भी खराब रूम है क्या? आइए देख लीजिए, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हॉस्टल में नहीं हूँ, मैं किसी आई अंदर आइए देखिए, इसमें भी 12-15 लोग रहते हैं, इसमें भी 12-15 लोग रहते हैं, देख लीजिए, देखिए ऊपर ऊपर देखिए, हाँ जैसा सर का कहना कि प्रत्येक रूम में 12 लोग रहते हैं, हम सुने थे, आप भी सुने होंगे कि जो सऊदी जो उधर दुबई जो काम करने जाते हैं वहां पर बहुत ही मुसीबत के साथ रहते हैं, लेकिन जब ये मुसीबत आदमी देख लेगा, पढ़ने में ये मुसीबत करना पड़ेगा, तो फिर आपका दिल टूट जाएगा, कितनी दयनीय स्थिति है झारखंड में उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप, सब भगवान भरोसे चल रहा है, बताइए भला इसमें कैसे रह सकता है आदमी, कैसे पढ़ेगा? आके आगे दिखाते हैं, अब बताइए जब ऐसे आवासीय विद्यालय का ये हाल है, तो फिर बाकी चीजों का तो छोड़ ही दीजिए, जरा देखिए, और मैं 81 विधायक जो है झारखंड में उन सबको कहना चाहता हूं कि महोदय जरा शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, और जो ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है, जो ऐसा लूट रहा है, उनको रेलिए, आप देखिए कितनी खराब स्थिति में है जी, मतलब मुख्यमंत्री साहब को भी शर्म आ जाएगा और शिक्षा मंत्री साहब को भी शर्म आ जाएगा, देख लीजिए क्या स्थिति है, हमको लगता है बच्चा पढ़ता होगा ऊपर से प्रसाद गिरता होगा, आंख में गिर जाता होगा, खाना खाने समय गिरता होगा, पता नहीं क्या क्या होता होगा बच्चों के साथ, बच्चा किस मुसीबत में पड़ता है उसका अंदाजा घर वालों को नहीं होगा, बताइए आप पहले इसकी कंडीशन को देखिए, वार्डन साहब इधर आइए, आप इनको क्यों इसमें रख रहे हैं, फिर तो खतरा है, तो क्या करें, मजबूरी है थोड़ा, अभी नहीं है रूम, एसी के कारण से हम लोग रखा जा रहा है, रूम मिल जाएगा तो फिर हम लोग, रूम तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, रूम कहाँ बन रहा है कि मिलेगा, आपको लग रहा है कि 2-4 साल में मिलेगा? नहीं तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, मैं देखिए सरकार का, तो जब भी बेचारे इसमें जो बच्चे रहे तो मुसीबत से पढ़ के निकलेंगे यहाँ से, कैसे, वो तो पता चला कि गिर गया खाते खाते खाना में कुछ इतना प्रसाद ऊपर से, उसके लिए तो हम लोग फिर वहाँ बाहर में ही हम लोग वहाँ खिलाते हैं, किसको आप लोग इसके बारे में बताते, कौन पदाधिकारी है इसके? जिला कल्याण विभाग है, कोई नाम है कि उनका जो देखते हैं सब, क्या नाम है उनका सर, देखिए सर को नाम मालूम नहीं है, अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि शिक्षा व्यवस्था कैसा है, पढ़ाई लिखाई तो बाद में छोड़ दीजिए, वो सब भूल जाइए, पहले जहां पहले रहते हैं, जहां से लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां की स्थिति को पहले देख लीजिए, कितनी भयानक स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, सब भगवान भरोसे, पूरा भवन भगवान भरोसे, शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है यहाँ पर, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितना भी रूम होगा हॉस्टल में जो रूम बना होगा 95% ऐसे ही रूम होंगे, होंगे ना सर, टॉयलेट है तो टॉयलेट भी तो भगवान भरोसे होगा, हाँ आइए, पानी इतना आ रहा है ना, एकरा से आदमी ज्यादा जानते हैं क्या करता है, वही करता है जो आप समझ रहे हैं, नल जल योजना के तहत पानी तो आता है लेकिन सब भगवान, सर इसके लिए आप लोग साफ सफाई के लिए लोग नहीं रखे हुए हैं, साफ सफाई पूरा दे रहा है अपने स्तर से, साफ सफाई पूरा ठीक है लेकिन और होना चाहिए सर, सफाई दिनों से सर दाग पड़ गया है, दाग पड़ गया है, सफाई यहाँ पे सप्ताह में 4 दिन हो, 4 दिन जी जी, अच्छा इधर एक और तमाशा दे, इधर देखिए साफ सफाई तो हुआ है लेकिन ये सब देखिए ना कैसे है,
पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। वो नीचे सब टूटा हुआ इसलिए पानी से। अच्छा हाँ, नीचे सब टूटा हुआ है, सब टूटा इसलिए बंद कर दिए। पलंबर साहब भी लग रहा है भ्रष्टाचार करके चले गए यहाँ से, है ना सर? आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। अच्छा ये बताइए सर, आप लोग शिक्षक लोग हैं, हम देखिए आप फिर हम कहेंगे, हम सभी को यही कहते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सबसे बड़ा कोई पद है तो शिक्षक का पद है, है ना? तो ये बताइए कि आप लोग ऐसी स्थिति में अपने बच्चों के यहाँ पढ़ाइएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं पढ़ाइएगा ना? नहीं, नहीं पढ़ाइएगा, भले उसको अनपढ़ रख दीजिए लेकिन नहीं पढ़ाइएगा, मर जाएगा यहाँ पर जी। नहीं सुविधा नहीं है, कैसे पढ़ा सकेंगे हम लोग? तो अच्छा आप लोग जो है, देखिए आप लोग को हमें ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग का काम होगा यहाँ पर पढ़ाना, लेकिन कोई मैनेजमेंट देखता होगा ना जिसको बताते हुए कि बहुत खराब स्थिति है इसकी। सारा लेटर लिखा जाता है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, पढ़ते लेटर आगे मतलब काम नहीं हो रही है। अच्छा लेटर देते हैं? हाँ लेटर, बहुत बार वैल्यू नहीं है। नहीं लेटर नहीं, अभी हम लोग काम नहीं हो रही है लेटर। अभी अभी जो जिला कल्याण पदाधिकारी वो अभी अभी जस्ट एक महीना पहले वो यहाँ पे ज्वाइन किया, उनसे पहले जो थे उनको कई बार लेटर दिया गया। ये अभी नए नए आए, ये कुछ बहुत अच्छे काम करने वाले हैं क्योंकि इनसे जो बात हुई सब पॉजिटिव है। जब इतना ही अच्छे काम करने वाले थे तब तक बन जाता है। हाँ तो लेकिन अभी तो 15 दिन ही आए, अभी ज्वाइनिंग ही किए हुए हैं, सारे रिजल्ट पॉजिटिव है। अच्छा हाँ, तो वो बहुत, तो आपको लगता है कि 2-4 साल में ये काम हो जाएगा इसका? नहीं एक 2-4 साल भी नहीं लगेंगे, पहले और काम लिख के लेके गए हैं पहले, मतलब आपको 2 साल का उम्मीद लगा? जी 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 2 साल जी, जिसको सही कराने में 2 साल, आप 2 साल से कम ही लगेगा 1 साल। हाँ, आपको मालूम है ऐसे स्थिति को ना 1 महीना के अंदर ठीक करना चाहिए। हाँ करना तो चाहिए जी। नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। झारखंड वासियों और देशवासियों, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी, फुर्सत मिले तो वीडियो देखिएगा और कहिएगा खुद से कि शिक्षा व्यवस्था क्या है हमारे झारखंड का, जिससे देश को विकास कर रहा है वही सब चौपट हुआ हुआ है झारखंड में। क्लासरूम भी ऐसे ही होगा सर? क्लासरूम ऐसा नहीं, क्लासरूम का स्थिति बहुत अच्छी है। तो सर क्लासरूम का स्थिति अच्छा है लेकिन जब आदमी यहाँ पर रहेगा, अच्छा जब स्वस्थ रहेगा, जब अच्छा नींद लेगा तभी तो पढ़ेगा इंसान। इसीलिए प्रॉब्लम है कि आएगा उसको तो डर होगा कि कब ऊपर से कुछ न गिर जाए, कीड़ा गिर जाए, मकोड़ा गिर जाए, छिपकली गिर जाए, पता नहीं क्या गिर जाएगा। आइए, ये छात्रावास नहीं है, इसको आप कह सकते हैं वीरप्पन का जंगल। ये वीरप्पन का जंगल है, इसमें आप हॉरर फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर कितनी खराब स्थिति में है, कितनी दयनीय स्थिति है, इसका अंदाजा और इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। देख लीजिए 5 साल पहले भवन बना है और 5 साल में ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद ये भवन गिर के समतल हो जाएगा। सर यहाँ पर तो हमको लग रहा है, आइए, कि ये जो आपका बाहरी सुंदरीकरण जो किया है ना वही अच्छा है खाली, है ना? अपने से किए हैं आप लोग, ये आप लोग का प्रयास है? कोई फंड नहीं मिला, ये टीचरों द्वारा प्रयास से हुआ है। अच्छा टीचरों के प्रयास से ये हुआ है? टीचर का प्रयास, जो टीचर प्रयास किए वो तो काम हो गया, लेकिन टीचर तो आप भवन नहीं बनवा सकते हैं, है ना? रिजल्ट भी हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और खेल में भी हम लोग का जो है प्रथम स्थान पूरा झारखंड स्तरीय में जो था। अच्छा उसमें से प्रथम स्थान खो खो में था, फुटबॉल। अच्छा यहाँ के बच्चिया? हाँ जी हम बच्चे खो खो में फर्स्ट स्थान था और शॉर्ट फुट में सेकंड था और कबड्डी में थर्ड स्थान था हम लोग का। सर अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या फिर वही वाली बात आ जाती है, मेहनत की कमी है। इसमें क्या खेलता होगा आदमी बताइए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि खेत है, गिरते हैं तो पैर में चोटें आती है, खून निकलने लगते हैं। सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ सर आप माइंड मत कीजिएगा, इससे अच्छा ना अरहर का खेत होता है। अभी गर्मी में जाके देख लीजिए उसमें क्रिकेट खेलता है, लोग प्लेन होता है, ऐसा लग रहा है ना कि ये खेत है, पता नहीं कुछ चना वना इसमें से उखाड़ के ले लिया गया। बच्चे यहाँ खड़ा रहेंगे तो भर जाएगा, खेलने की तो दूर की बात है। मैदान नहीं दिया गया हम लोग, कम से कम मैदान प्रोवाइड करना चाहिए था गवर्नमेंट को। अच्छा उनका नाम बताइए ना जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनके पास हम जाना चाहते हैं। मैनेजमेंट के हाथों में ये हम लोग को मैदान नहीं, हम लोग लेटर डायरेक्टली लिखना पड़ता है। नहीं नहीं मतलब ये जो मान के चलिए कोई समस्या होती होगी तो किसी को कहते होंगे ना कि सर टूट रहा है? कल्याण विभाग को लेटर देते हैं, जो भी जिला कल्याण पदाधिकारी लेटर दीजिएगा, तो लेटर देते देते आप यहाँ से रिटायर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैनेजमेंट में हम लोग का हेड होते हैं, प्रिंसिपल सर ही होते हैं। प्रिंसिपल सर कौन है? प्रिंसिपल। अच्छा आप ही हैं सर, तो कैसे चलेगा सर बताइए? तो हम लोग तो अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। हम लोग बिल्कुल आप करते होंगे उसमें नो डाउट। हम लोग रांची की मीटिंग होती है तो वहाँ भी हम लोग लेटर देके बहुत बार आए हैं कि मैदान का फैसिलिटी के लिए। हमको तो लगता है ना इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए, और इसमें जो दीवार है हम लोग को इसमें तार का घेराव होना बहुत जरूरी है। हम लोग को बच्चे
मतलब एक दो बच्चे ऐसे हुए जो नया नया आते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं, तो दीवार इतनी छोटी है कि हम लोग तुरंत बच्चे भाग जाते हैं। हम लोग को बस ये तो जो सरकारी स्कूल होता ना उससे भी खराब स्थिति है, भी खराब स्थिति। तो हम लोग चाहते हैं, हमको तो लगा था ये अच्छा होगा अंदर से, गवर्नमेंट का चारों तरफ लाइट, गवर्नमेंट कम से कम बताइए अगर आपको कहा जाए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए तो पढ़ाइएगा। नहीं नहीं पढ़ाने को तो पढ़ाएंगे, अब तो अब हमारे इलाके में यही स्कूल है तो हम कहाँ भेजेंगे बच्चे को, तो इसी में रखिएगा। नहीं नहीं रखेंगे नहीं, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं, कल्याण पदाधिकारी हैं, वो आए थे पिछले, पदाधिकारी से कभी पूछा है कि उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? वो आए थे और सर्वे भी किए, वो इंजीनियर साहब को लेके आए थे। समस्या यही है, तो इंजीनियर आता है सर्वे करके चला जाता है और फिर भ्रष्टाचार कर देता है। आखिर इंजीनियर आता है पदाधिकारी या तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? आपकी माध्यम से अगर सरकार के बात ये पहुँचती है तो हम लोग को उम्मीद है कि काम अच्छे होंगे, लेकिन देखिए काम अच्छे तब होंगे ना जब ईमानदार होगा। समस्या है, आप बताइए बच्चे लोग के साथ कितनी परेशानियां होती होंगी वहाँ पर? बहुत बहुत परेशानियां होती हैं बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। उस परेशानी को सिर्फ बच्चा समझ सकता है बेचारा, बच्चों के लिए थोड़ा हम नहीं समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। कम हो रही है बच्चों के लिए पीने का पानी, चाहते हैं की थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी हो, गवर्नमेंट प्रोवाइड पानी, पानी चापाकल से होती है लेकिन डायरेक्ट हम लोग टंकी चेक कराए लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा डाउट फील होता है उसमें। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे प्यूरिफायर लगाएं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे अच्छे बच्चों को। सर स्कूल में यहाँ पे बच्चे रहते हैं वो मतलब हमको लगता है कि साल के कम से कम 10 महीने ही रहते होंगे, तो यहाँ पर उनको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, बढ़िया से एकदम कैंट आरओ का पानी मिलना चाहिए, तब चापाकल का पानी पिएगा पता चलेगा उसमें पता नहीं क्या क्या होगा उसके अंदर। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कितना ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, और नीचे से काट दिया गया है, तो नीचे से काट दिया है ऊपर है तो फिर ठहरेगा कहाँ, ऊपर से धराम से नीचे गिर गया है, सब जर्जर सब जर्जर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज, अभी क्लासरूम दिखाएंगे और बच्चों से मिलवाएंगे यहाँ पर कि उनको क्या समस्या होती है। चलिए बने रहिए, आइए।